फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है, तो इस ब्लू कलर की लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फोन से, यानी कैसे इसे रिमूव कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसे आपको कैसे हटाना है फोन की स्क्रीन से। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको जो है ना अपने फोन को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जब कभी आपके फोन की स्क्रीन पे ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है तो आपको आपका फोन जो है नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं किसी भी आपको टैप करता हूं तो ये जो ऐप है ना, ये ओपन नहीं हो रहा है, बल्कि ब्लू कलर की लाइन बन जा रही है। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी, इसका कलर कुछ और भी हो सकता है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रे कलर, मतलब कुछ और भी कलर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको जो है ना अपने फोन को यूज कैसे करना है, देखिए आपको फोन की स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको किसी भी हाथ की ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ठीक है, तब जाके फोन की स्क्रीन आगे पीछे ऊपर नीचे होगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी ऑप्शन को चालू या बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है, फिर उसी ऑप्शन पे डबल टैप करना है, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या बंद होगा, जो भी आप उसे करना चाहते हैं। ये दो बातें ध्यान में रखनी है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर आप अपने फोन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस ब्लू कलर की लाइन को हटाना कैसे है। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग का जो ऐप होता है, इसे आपको एक सिंगल टैप करना है। अब इस सेटिंग के ऐप पे डबल टैप करना है, ठीक है, तो आपका सेटिंग का ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस सेटिंग के पेज में आपको ना नीचे की साइड जाना है, तो दो उंगलियों की मदद से आपको पेज को ऊपर करना है ऐसे, तो आपको नीचे एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन सिंगल टैप करना है। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है तो आपका ये अगला पेज आता है। इस पेज में आपको टॉक बैक की सेटिंग सिंगल टैप करनी है। अब सिंगल टैप करेंगे तो ब्लू कलर की लाइन बनती है। अब आपको इसके ऊपर डबल टैप करना है तो आपका ये टॉक बैक का पेज आता है। इस पेज में देखिए, ऑन के सामने जो बटन है, इस बटन को ऑफ करना है, तो इस बटन को एक टैप कीजिए। अब इसके ऊपर बटन के ऊपर डबल टैप करना है तो आपका नीचे एक छोटा सा पेज ओपन होता है। इसमें आपको टर्न ऑफ का ये बटन आपको टैप करना है, तो आपको इसके ऊपर आप डबल टैप करना है तो आपका ये जो बटन है ऑफ हो जाएगा और आपकी जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही थी, ये आपकी ब्लू कलर की लाइन देखिए दिखाई नहीं देगी और आपका फोन जो है नॉर्मल हो जाएगा। और देखिए, मैं सिंगल टैप से ही हर एक ऑप्शन जो ओपन कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपका जो पेज है ना, इसमें आपको टॉक बैक शॉर्टकट के सामने वाला जो बटन है, अगर ये चालू है तो इसे बंद करके रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कभी ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है तो इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं, ठीक है।